अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया अवतार देखा है क्या आपने? अपने लेटेस्ट ट्वीट में वो अपने आप को टैरिफ मैन कह रहे हैं। टैरिफ मैन वाले ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में उनकी खूब पिक्चर भी बनाई जा रही है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि बाजार को उनसे बहुत डर लगता है। चीन के साथ ट्रेड वॉर को लेकर टेंशन पहले से ही थी, अब अमेरिका से एक बुरी खबर और आने लगी है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में उल्टी चाल नजर आ रही है और उसने बाजारों का पसीना छुड़ा दिया है। कहा जा रहा है कि दबे पांव अमेरिका में मंदी पैर पसार रही है। अमेरिका में मंदी का मतलब है दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार। अगर वहां मंदी आई तो दुनिया भर की इकोनॉमी में ये इन्फेक्शन फैल सकता है। आज हम इस शो में यही चर्चा करेंगे कि अमेरिका में मंदी का किन कंपनियों पर असर पड़ेगा और क्या इस मंदी से डरना चाहिए। कहा जाता है और आपने सुना भी होगा, डर के आगे जीत है। डर इस समय है ग्लोबल स्लोडाउन का, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में धीमेपन का, अमेरिका चीन के बीच सहमति ना बनने का। और इसलिए कल एक दिन में अमेरिका का बाजार 800 पॉइंट गिरा। अच्छा, हिम्मत तो करनी चाहिए डर के आगे देखने की, सोचने की, कर दिखाने की, पर हमेशा जीत नहीं होती। हाँ, सोच समझ के उठाए कदमों से जीत के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं। तो अब हम अगले आधे घंटे करने के हवाले हैं। ये जो डर आ गया है ना स्लो डाउन का, यूएस इकोनॉमी में ग्लोबल मंदी का, इसके चलते कई सारी इंडियन कंपनीज हैं जो ग्लोबल एक्सपोजर रखती हैं, उन कंपनीज पे और डर बढ़ेगा। अगर दुनिया भर में धीमापन तो इनके धंधे पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगले आधे घंटे में ऐसी कई सारी कंपनीज हाईलाइट करने वाला हूं जिन्होंने ग्लोबल मार्केट्स में अपने पैर जमाए, जिनका एक्सपोर्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत तगड़ा है कुल रेवेन्यूज में। और फिर हमारे आज दो जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे, सेठी साहब, विकास सेठी और संदीप जैन, ये दोनों मदद करने वाले हैं। समझेंगे इनसे दरअसल क्या वाकई इनमें से किन स्टॉक्स में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, आज ऑफ लेट दबाव आया है या अब मूड बिगड़ने वाला है, उनमें कहां कहां खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। सेठी साहब, पहले आप, ये जो कल जो झटका लगा यूएस 10-year ट्रेजरी यील्ड्स, उसके बाद अब तो 2, 5, 3 साल सारे जो मूवमेंट है उसका हिसाब किताब कह रहा है कि शायद मंदी खटखटा रही है, एक इकोनॉमी में स्लोडाउन का खतरा देखने को मिल सकता है, घबराने वाली बात है क्या सर? देखिए आशीष, जिस तरह से कल देर रात ट्रंप ने जो ट्वीट किया, और ये भी जबकि अभी यूएस और चाइना के बीच में एक अच्छी वार्तालाप होने के बाद ऐसा लगने लगा था कि जो इनके ट्रेड वॉर है, जो 90 दिन का एक सीज फायर हुआ उसके बाद बिल्कुल इसमें कुछ एक सुधार या पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा, तो इन सबको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने जो ट्वीट किया है उसको देखते हुए जरूर डर लगा है। और दूसरा, जो बॉन्ड यील्ड्स वहाँ पे जो लगातार गिर रही है, ट्रेजरीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए कल एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। बट मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू टेक एनीथिंग आउट ऑफ दैट। मुझे लगता है सेंस वुड प्रिवेल और ये दोनों के बीच की जो बातें हैं उससे एक पॉजिटिव आउटकम डेफिनेटली निकल के आएगा, बिकॉज इवन इन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस इट विल नॉट बी देयर कि वो चाहेंगे कि उनकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो कम हो। ये जो लगातार उनकी खुद की क्रिएटेड चीज़ें, जैसे कि कंटिन्यूसली जो रेट हाइक हो रही है, जो कंटिन्यूसली वो ट्रेड वॉर एक बढ़ा रहे हैं, जो टैरिफ हाइक कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब डर बना हुआ है। मुझे लगता है सेंस वुड प्रिवेल और विल कम आउट ऑफ दिस। तो मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और ये जो गिरावट आती है वो एक डेफिनेटली बाजार में लंबी अवधि के निवेशकों को देखने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ, आमतौर पर हिस्ट्री ये कहती है जब ग्लोबल कंसर्न्स के चलते हमारे बाजारों में गिरावट आती है तो खरीदारी करने के बेहतरीन मौके होते हैं। वो यील्ड वाली प्लेट लेकर आए, लॉजिकली 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल की जो यील्ड्स हैं उसमें आपको भाव रिटर्न जो है बढ़ते दिखने चाहिए थे, पर अब अमेरिका में ऐसा हो नहीं रहा। आपकी स्क्रीन पर आएगा 3 साल की यील्ड 5 साल से ज्यादा, 2 साल की यील्ड 5 साल से ज्यादा, तो ये दिखा रहा है कि नियर टर्म में एक स्लोडाउन का खतरा है। ये अभी तो डर बन गया है, ऐसा 2007 में भी हुआ था और देखा था हमने क्या हुआ है, तो डर तो है, पर असल में स्लोडाउन की असली चिंता जब होगी जब ये दरअसल 2 साल वाला 10 साल वाले के पार जाता हुआ नजर आएगा, तब दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी एक वार्निंग है बस, घबराने वाली ज्यादा बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा संदीप जैन साहब, ये ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा तो ऑब्वियस है, वो ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज के लिए दिक्कत वाली बात,
पर आमतौर पर ऐसी दिक्कत होती है क्या, या फिर ये फंडामेंटली इन कंपनीज के धंधे पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये सेंटिमेंट ज्यादा हावी हो जाते हैं? नहीं देखिए, सेंटिमेंट्स तो हावी होते ही हैं, और देखिए ओवरऑल थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा देखिए, यूएस में, चाइना में कुछ भी होता है तो सर्टनली डिमांड अगर कम होती है, आप देखिए आज जैसे कि अगर भारत फोर्ज का अगर एग्जांपल ले तो क्लास एट ट्रक्स के पार्ट्स बनाती है और वहां पे अगर सेल्स डाउन होती है, और इनफैक्ट ऑटोमोबाइल बहुत ज्यादा यूएस की इकोनॉमी की एक ग्रोथ को बताता है, तो सर्टनली इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज रहती है कि उस टाइम पे जब गिरावट आते थे उसी टाइम पे कोशिश करना चाहिए स्टॉक पिकिंग करने की। वो टैरिफ मैन वाली इमेज लेकर आई है, आपने बड़े सुपर हीरोज का नाम सुना है ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ही मैन, बैटमैन, तो अब हमारे सामने वो ट्रंप मैन, वो टैरिफ मैन, और जाने भी जाते हैं खैर टैरिफ और दुनिया भर में छेड़ने के लिए, तो ये टैरिफ मैन की बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज चल रही थी, इसीलिए इसको ग्रैब करा हम लोगों ने। वैसे हमारा भी एक था शक्ति मैन, वो मैन नहीं, वो एक मान है, लेकिन वो इसी कैटेगरी का है हमारा देसी भी। तो अब अच्छा मुझे बताएगा, संदीप जैन साहब आ रहे थे स्टूडियो में, कहीं रैली में फंस गए थे, ये क्या टैरिफ मैन के लिए कोई रैली वैली हो रही है क्या राजस्थान में? नहीं, ये इलेक्शंस का आज लास्ट डे है रैली का, तो सारी पार्टियों की मतलब कांग्रेस की, और चूंकि मेरी ऑफिस जो है वो सिविल लाइंस के पास में है और सारी यहीं पे वो है सब कुछ, मिनिस्टर्स के घर वगैरह, काफी रैलीज हो रही थी, तो कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी सबके बहुत जबरदस्त रैली में फंस गया था मैं। चलिए, तो आप टाइम पे आ गए, लकीली हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छा चलिए, अब मैं तो एक्सपर्ट ने कह दिया दिक्कतें आती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज में पोटेंट होंगी, जैसे भारत फोर्ज की एक बात छेड़ी संदीप जैन साहब ने, लेकिन जैसे विकास सेठी कह रहे हैं बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, और इस समय तो नहीं है, ये तो सच है, और ऐसी गिरावट में कई सारी कंपनी खरीदारी करने के बेहतरीन मौके दिखाती हैं, तो ऐसी कंपनियों की लिस्ट की आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि भारत फोर्ज का नाम छिड़ गया तो उसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूं विकास रेड्डी साहब, लेकिन अब आपके लिए सवाल, अब ये जो तमाम कंपनीज हैं एक्सल मैन्युफैक्चरर्स और भारत फोर्ज जैसी, जो अमेरिका में क्लास ए ट्रक्स के लिए खासतौर पर कामकाज करती हैं, भारत फोर्ज, जीएनए एक्सल्स, ऑटोमोटिव एक्सल्स, एमएम फोर्जिंग्स, तगड़ा कारोबार एक्सपोर्ट से आता है इन सब कंपनीज का, भारत फोर्ज तो आज 9% गिरा हुआ है, 800 के हाईस थे स्टॉक के और मैं देख रहा था 530 के लेवल्स पे इस समय खड़ा हुआ है, 60% कुल रेवेन्यूज का एक्सपोर्ट से आता है और उसमें भी 15% के आसपास नॉर्थ अमेरिका की ट्रक सेल से, तो वो जो क्लास 8 बड़े बड़े ट्रक्स अमेरिका में जो होते हैं उसको डायरेक्टली केटर करती है, तो ये डायरेक्ट रखने वाली कंपनीज है, तो अगर वाकई स्लोडाउन का खतरा मंडरा रहा है तो दिक्कतें आएंगी और कुछ हद तक वो मूड स्टॉक प्राइस में आपको रिफ्लेक्ट होता भी नजर आ रहा है, पर विकास जी क्या कॉल है इन इस पूरे स्टैक पे जिनका मैंने नाम यूज करा और साथ साथ भारत फोर्ज में, और इस पूरे स्टैक में आपकी प्रेफर्ड बेट अगर कोई हो इस गिरावट में खरीदारी करने वाली तो बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए ये जो चार कंपनियों के आपने नाम लिए, भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल्स, ऑटोमोटिव एक्सेल्स और एमएम फोर्जिंग, चारों ही बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं और ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र को केटर कर पे भारत को एक स्वीट स्पॉट में है भारत, बिकॉज एक तो क्वालिटी पे कंट्रोल है, क्वालिटी अच्छी है, और दूसरा कॉस्ट भी कम रहते हैं, तो उस हिसाब से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बट जब यूएस में या इंटरनेशनली जब एक ग्रोथ में स्लो डाउन आता है तो इन सब कंपनियों के परफॉर्मेंस में बिल्कुल गिरावट देखी जाती है, बट मोर और लेस मुझे लगता है जिस तरह की गिरावट इन स्टॉक प्राइसेस में हमने देखी है पिछले कुछ महीनों में, मोर और लेस जितने भी नेगेटिव्स हैं वो प्राइस इन लगते हैं, हालांकि ठीक है और 5-10% की गिरावट कभी भी आ सकती है, जैसे आज हमने देखा भारत फोर्ज के जो क्लास 8 ट्रक्स के सेल्स के नंबर्स आए वो काफ़ी खराब थे और कल ये स्टॉक बहुत 7-8% टूट चुका है, बट मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे एक स्टैगर्ड रूप में भारत फोर्ज में भी खरीदारी की जा सकती है, बट अगर आपको इन चारों स्टॉक्स से एक स्टॉक मुझे चूज करना पड़े तो मैं जाऊंगा ऑटोमोटिव एक्सेल्स के साथ, एक बहुत ही शानदार कंपनी है, गिरावट के बाद एक बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती है, फाइनेंशियल्स देखें 19-20% का कंपनी का आरओई है, पिछले 5 साल के अगर पैट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 35% के कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है, और इन वैल्यूएशंस में मुझे यह स्टॉक अच्छा लगता है, मेरा एक साल का 1750 रुपए का, मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदा जा सकता है। तो भारत जिस गिरावट में स्टॉक खरीदारी निबलिंग करते चले, लेकिन इस पूरे पैक में जो सबसे प्रेफर्ड बेट है वो ऑटोमोटिव एक्सेल्स, बेस्ट बाय होगा एक्सेल्स, बेस्ट बाय होगा इस पूरे विकास सेठी साहब का कॉन्फिडेंस। तो अब मैंने क्योंकि स्पेस को छेड़ दिया है तो एक ऑटो एंसिलरी कंपनी जो सबके रडार पर है, आज जो स्टॉक में भी दबाव देखने को मिल रहा है वो है मदरसन सूमी, ऑलमोस्ट 4-5% की कमजोरी के साथ ट्रेड होता हुआ,
और ये स्टॉक आज की बात नहीं है, ये भी 265 के हाई से गिरते 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 आज 160 के लेवल्स पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 87% रेवेन्यूज इस कंपनी के एक्सपोर्ट से आते हैं, जिसमें मेजरली तो यूरोप, क्योंकि दो सब्सिडियरी इसकी वहां पे खड़ी हुई है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, इन सब ज्योग्राफीज में एक्सपोजर। यूएस स्लो डाउन, ग्लोबल स्लो डाउन, तो फिर ये कंपनी वो परफेक्ट सकता है। दो फैसिलिटीज इसकी मेक्सिको में खड़ी हुई हैं, जो ऑडी फोक्सवैगन कार्स के लिए सप्लाई करने का काम करती हैं, तो तगड़ा ग्लोबल एक्सपोजर है। एक समय तो सबको बहुत पसंद आता था, क्या तेजी देखने को मिलती थी, और अब एकदम टोटली ऑफ रडार, हर दिन कुछ भी बुरी खबर आई तो पिटते ही चले जा रहा है कोई, मतलब ये स्टॉक बहुत प्रेशर झेल चुका है, क्या करना चाहिए अब इसमें? देखिए, ऑटो एंसिलरी की इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है इंडिया की, और मुझे ऑटो एंसिलरी क्षेत्र बहुत अच्छा लगता है। जैसे विकास जी ने भी ऑटोमोटिव एक्सेल्स का नाम लिया, उसी क्षेत्र में मेरी ऑटोमोटिव एक्सेल्स, मुंजाल ऑटो, फिर आपके जामना ऑटो, ये सारे रेकमेंड किए हुए हैं, इवन रिको ऑटो, बहुत सारी कंपनियां जो बहुत ही बेहतरीन वैल्यूएशंस और बहुत अच्छी ग्रोथ और रिटर्न नंबर्स देती है। बट ये कंपनी एक टाइम पे तो काफ़ी महंगी थी वैल्यूएशंस के हिसाब से, अब करेक्शन के बाद एक सस्ते लेवल पे आई है, और समहाउ जो आपने कहा पहले काफ़ी सबके रडार पे रहता था, बट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है पिछले कुछ, बट फिर भी अगर आप ओवर द पीरियड देखेंगे तो ठीक है, मतलब नंबर्स वगैरह बहुत खराब भी नहीं है, तो मैं इसीलिए होल्ड करने की राय दूंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 20% हो, स्टॉक का पी मल्टीपल 21 के टाइम्स है, तो ओवरऑल महंगा नहीं है अब, और अपने डाउनसाइड के आसपास ही है, कहीं ना कहीं 140 का एक जो लो बनाया उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज्यादा वैसे रिस्क है नहीं, तो इसलिए होल्ड करें। बट बहुत ज्यादा फायरवर्क्स भी देखना ऐसा लगता नहीं है कि मुझे, जो कि आपने कहा कि 87% ऑफ द रेवेन्यूज इसकी एक्सपोर्ट से आती है, करीब 41 कंट्रीज में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो ये सारे रीजंस है कि स्लो डाउन से थोड़ा बहुत इंपैक्ट ये कंपनियों को इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ता है। ठीक बात। तो ये कॉल आता हुआ मदरसन सुमी पर, आज भी ये स्टॉक प्रेशर झेलता हुआ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, क्योंकि अब मैंने ऑटो ऑटो एंसरी की बात छेड़ी दी है, तो टायर कंपनीज, और दो टायर कंपनीज खास तौर पर, एक तो बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और दूसरा जेके टायर। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तो पूरा एक्सपोर्ट ड्रिवन है, 88% इस कंपनी के रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, और इसमें ये कंपनी जानी जाती है जो ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट है ना, उसमें दुनिया भर में अच्छी खासी पकड़ है इस कंपनी की, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। और बीच में ये स्टॉक बहुत पिटा, यूएस में केपेक्स करने की जो बात करी इस कंपनी ने, प्लांट खड़ा करने की, उसने बाजार का मूड बिगाड़ा था। तो ये कंपनी ऑलरेडी यूएस में और पैर जमाने की बात करी, और यूएस में अब हम रिसेशन की, दबाव की, स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, तो दिक्कतें और बढ़ती हैं। जेके टायर का भी एक्सपोजर है, और इसकी तो 3 प्लांट मेरे ख्याल से मेक्सिको में खड़े हुए हैं, तो अच्छे खासे ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज है, और यूएस और यूएस के आसपास एक्सपोजर, ऐसे में क्या करना चाहिए इसमें विकास जी? देखिए आशीष, जो दोनों कंपनी आपने टायर स्पेस से भी चूज करी है, दोनों ही बहुत अच्छी कंपनी है, बट मुझे अगर एक स्टॉक इन दोनों में से चूज करना पड़े तो आई वुड लाइक टू गो विद बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। मुझे लगता है, देखिए, इस स्टॉक ने हाल ही में जो 1450 के जो हाईज लगाए थे वहां से ये करेक्ट होके इसने लोज लगाए 925 रुपए के, जो कि जून तिमाही के जो नतीजे थे, नतीजे कुछ खराब थे, डिसअपॉइंटिंग थे, और उसके अलावा जो इन्होंने अमेरिका में जो केपेक्स के जो प्लान्स बताए वो बाजार को कम समझ में आया, और उसके कारण से हमने देखा भारी गिरावट इस स्टॉक में आई। वहां से स्टॉक अभी कुछ ज्यादा रिकवर नहीं हुआ, बट मुझे लगता है फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है जो यूएस में भी कैपेक्स करने जा रही है, उसका भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट इसको मिलेगा मुझे लगता है। और जिस तरह से इंटरनेशनली अभी हमने देखा हाल ही में रबर प्राइजेस गिर रहे हैं, क्रूड के दाम में गिरावट आई है, और ये दोनों इनके बहुत ही जो रॉ मटेरियल का एक कंपोनेंट है, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट इन दोनों चीज़ों से आता है, रबर और क्रूड प्राइजेस से। मुझे लगता है पूरे टायर सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहेगा जो ये हुआ है, और मुझे लगता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वुड कम आउट ऑफ दिस, और करंट लेवल्स पे वैल्यूएशंस अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। एक साल में मेरा व्यू रहेगा, वी कुड सी लेवल्स ऑफ 1250 रुपीस ऑन द स्टॉक। ओके, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये वो स्टॉक पसंद आता है रीसेंट प्रेशर के बाद, अट्रैक्टिव बेट हो सकता है इन लेवल्स पर। जब इतनी सारी ऑटो एंसरी कंपनीज की बात कर डाली मैंने, तो एक ऑटो कंपनी OEM, ये है टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स और उसका DVR को डाप रखना चाहिए। आज तो खैर प्रेशर में है, क्योंकि एक SNP ने डाउनग्रेड कर दिया टाटा मोटर्स को, इसके ब्रिटिश आर्म JLR को, पर ध्यान रखें JLR अब कुल रेवेन्यूज का 80% है,
और यूरोप और चाइना उसके की मार्केट्स नॉर्थ अमेरिका में पैर जमाने की वो कोशिश कर रहा था, और टाटा मोटर्स के साथ कई सारे इश्यूज हैं, डिटोरिएटिंग फाइनेंशियल तो थे ही थे, ये ग्लोबल कार स्लोडाउन जो सेल्स की दिक्कतें, ब्रेक्सिट को लेकर दिक्कतें, प्लांट शटडाउन करने पड़ रहे हैं, टैरिफ वॉर उसका एक सीधा इंपैक्ट पड़ता है इस कंपनी पे, तो ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो टाटा मोटर्स पे बहुत ज्यादा हावी होते हैं। तो ऐसे में संदीप जैन साहब, ये स्टॉक बहुत पिट चुका है अपने हाई से, तो अब ऑलमोस्ट 60-65% में साल के हाई की बात कर रहा हूं, इतना नीचे ट्रेड कर रहा है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कॉल क्या है आप लोग का, हाउस कॉल क्या टाटा मोटर्स पे? अब देखिए होल्ड ही देना पड़ेगा आशीष जी, बाय देता था मैं भी और इनफैक्ट ऊपर के लेवल्स पे दिए हुए हैं, बट आप देखिए जिस तरीके की ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस है वो कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, बट और साथ में ये भी है कि जब प्रॉफिट के नंबर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं तो वैल्यूएशंस भी अब महंगा हो गया, लोगों को लगता है कि काफी करेक्ट हो चुका है। 443 का अगर 52 वीक हाईज है, 164 का लोज है और 175 के भाव है, बट तभी भी अगर पी मल्टीपल्स की बात करें तो 33 के पी मल्टीपल पे काम कर रहा है। सो मैं बाय की राय, फ्रेश बाइंग की नहीं दूंगा, सिर्फ इसको होल्ड करके रखिए, वो भी उन्हीं को ही जिन्होंने ले रखा है, और कहीं भी आप नीचे के लेवल्स पे अभी एवरेजिंग की भी राय नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए इस कंपनी को इंपैक्ट पड़ता है भले वो यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स और चाइनीज मार्केट्स, सो ओवरऑल बहुत बड़ा रेवेन्यू है इंटरनेशनल मार्केट से, सो आई फील कि थोड़ा बस वेट एंड वॉच ही रखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा और होल्ड करके रखिए तो टाइम आएगा, क्योंकि पेडिग्री बहुत अच्छी है, कंपनी कई बार ऐसे दौर से गुजरी हुई है जहां पे बहुत बड़ा करेक्शन है और उसके बाद बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न्स भी मिले हैं, सो आई थिंक होल्ड करके रखने में ही समझदारी है। होल्ड करें टाटा मोटर्स को, फ्रेश खरीदारी नहीं, एवरेजिंग इस लेवल्स पे नहीं, अभी है पोर्टफोलियो में तो रखे रहे। तो टाटा मोटर्स पे एक कॉल आता हुआ, अभी तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो इस ग्लोबल दिक्कतों का इंपैक्ट झेलते हैं उन पे बात करी, कई और स्टॉक्स है इस कड़ी में जिन पे आगे बातचीत करनी है, और ब्रेक के बाद दरअसल उन स्टॉक्स में मैं रैपिड फायर लेकर आऊंगा अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब रैपिड फायर की शुरुआत करता हूं। कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर खास तौर पे ग्लोबल स्लोडाउन का इंपैक्ट पड़ता है, एक तो मेटल्स, और आज देखा होगा आपने हिंडाल्को, वेदांता, टाटा स्टील 3-4% दबाव, और ऑफ रेट लगातार प्रेशर झेल रहे हैं, तो ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होना या स्लोडाउन दोनों डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। संदीप जैन साहब क्या कॉल होगा? देखिए ठीक है, ग्लोबल क्यूज काफी लेते हैं ये सारे, और इनफैक्ट ट्रेड वॉर की वजह से काफी इंपैक्ट भी पड़ा था इनके अभी भाव पे भी, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वेदांता आफ्टर करेक्शन काफी अट्रैक्टिव हो चुका है, और देखिए फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, क्रूड ऑयल एक बहुत अच्छा ओवरऑल एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, और मुझे फंडामेंटल्स भी अट्रैक्टिव लगते हैं, वैल्यूएशंस इन लेवल्स पे बहुत अच्छे लगते हैं, सो ओवरऑल डाउनसाइड कम है, सो होल्ड करें और बाइंग भी की जा सकती है। वेदांता में गिरावट में खरीदारी, साल के हाई से 45% स्टॉक्स नीचे हैं। अच्छा एक मेटल है, दूसरा हम जब ग्लोबल एक्सपोजर की बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स आता है, और उसमें क्या गजब का एक्सपोजर, डिवीज लैब्स को तो 87% एक्सपोर्ट से आता है, इपका लैब 50-60% एक्सपोर्ट से आता है, और अरबिंदो फार्मा आधी रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आती है, इस तरह का एक्सपोजर है। पर विकास सेठी साहब इसमें एक सवाल मेरा ये कि क्या वाकई फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस को ग्लोबल मंदी का असर पड़ता है डिमांड को लेकर? नहीं आशीष जी देखिए थोड़ा बहुत नहीं, डिमांड को लेके तो मुझे नहीं लगता कि कोई असर पड़ता है, बट अगर वो कुछ ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लेके आते हैं या यूएस एफडीए और ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है तो उससे हम देखते रहते हैं कि रेगुलेशंस जो आते हैं यूएस एफडीए के उसकी वजह से हम इन स्टॉक्स में पिटाई देखते हैं। बट ये जो तीनों कंपनियों के आपने नाम लिए, तीनों ही बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, डिवीज लैब, इपका और अरबिंदो फार्मा, बट अगर तीनों में से एक स्टॉक को पिक करना पड़े तो आई वुड लाइक टू गो विद अरबिंदो फार्मा, सॉलिड कंपनी है, और अभी हाल ही में मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में भी बताया कि इनका एक साल में एक बायोसिमिलर को भी अप्रूवल मिल जाएगा, और रिसेंटली जो माइलन को भी एक वार्निंग दिया है यूएस में उसका भी एक फायदा इनको मिल सकता है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी, एक साल का लक्ष्य रहेगा 1000 रुपए। अरबिंदो फार्मा प्रीफर्ड बेट, 1000 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। मैंने मेटल्स की बात करी, फार्मा की बात करी, तो एक और स्पेस आईटी, ग्लोबल एक्सपोजर क्या है इसका, तो स्पेसिफिक यूएस एक्सपोजर सबसे ज्यादा होता है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो कामकाज करते हैं ये अमेरिका के साथ करते हैं, और बीच में संदीप जैन साहब वो अमेरिका इंक के अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा परफॉर्मेंस, आईटी के हालात सुधरने की उम्मीदें, अभी अगर हम स्लोडाउन की तरफ वापस स्टेयर कर रहे हैं तो फिर दिक्कतें आएंगी, बीएफएसआई के स्पेंडमेंट्स फिर रिड्यूस होंगे, तो आईटी में दरअसल अब कॉल क्या है और स्टॉक कौन सा प्रेफर करेंगे इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो में? तीनों में से अभी भी टीसीएस ही करूंगा मैं, कि अच्छा खासा टीसीएस भी ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ, बाउंस भी कर लिया 1800 के लेवल से, और खास बात यही इन स्टॉक्स में ये हर साल अब बायबैक लाएंगे और ला सकते हैं हर साल, और जब लाते हैं तो सर्टनली अच्छी प्राइस पे, प्रीमियम पे लाते हैं बायबैक,
और अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो भी आता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में बिल्कुल निवेशित रहें। तीनों में से सर्टनली TCS इज नंबर वन, नंबर टू इज इन्फोसिस, और ग्लोबल क्यूज से काफी अफेक्टेड होते हैं। यूएस की अगर ग्रोथ रुकती है तो सर्टनली अफेक्टेड होंगे, करेंसी अब वापस से मजबूत होने लगी इंडिया की तो उससे भी अफेक्टेड होंगे, बट इन सब के बावजूद भी ये कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है इतना रोबस्ट है कि ये चलेंगी। ओके, तो TCS सबसे प्रेफर्ड बेट है। जाते थे क्विकली एक और स्टॉक जिसका एक्सपोजर बड़ा तगड़ा है, वो है वेल्सपन इंडिया। विकास सर, 95% एक्सपोर्ट से रेवेन्यूज इस कंपनी के, लार्जली यूएसए को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये कंपनी, और मैं पढ़ रहा था हर 5 टॉवल जो बिकते हैं यूएस में उसका उसमें से 1 टॉवल इस कंपनी का, हर 9 शीट जो बिकती है यूएस में उसमें से 1 शीट इस कंपनी की, इस तरह की पकड़ है। तो आप इस कंपनी में वेल्सपन इंडिया पे क्या कॉल होगा? नहीं बिल्कुल आशीष, देखिए कंपनी तो बहुत ही शानदार है, रिसेंटली हमने फंड बाइंग भी देखी है, नतीजे भी इस क्वार्टर के बेहद ही अच्छे थे, और ये जो यूएस को लेके जो खबरें हैं, अगर यूएस चाइना का ट्रेड वॉर और बढ़ता भी है तो मुझे लगता है इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव होगा, और उसका एक मेजर बेनिफिशियरी वेल्सपन इंडिया जैसी कंपनी होगी। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदा जा सकता है, अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है गिरावट के बाद, और एक साल का लक्ष्य रहेगा 80 रुपए का। चलिए, तो बातचीत से क्लियर है, तमाम पिक से क्लियर है कि डर के आगे जीत है। इन स्टॉक्स में पिटाई हो रही है, उसमें एक्युमुलेशन करने के मौके हैं, खरीदारी करने के मौके हैं, और कौन कौन से वो बेहतरीन स्टॉक्स हैं मेरे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बता दिया। संदीप जी, विकास जी, आप दोनों का धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पे क्विकली एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार भी CNBC आवाज पर न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।